डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और माना भी क्यों ना जाए, क्योंकि वे हर साल करोड़ों लोगों को गंभीर बीमारियों के जाल से बाहर निकालते हैं। हम कहते हैं कि क्लिनिक में बैठे डॉक्टर्स बहुत पैसे ऐंठते हैं, पर उन्होंने जितनी मेहनत करके पढ़ाई की और इतना पैसा खर्च किया, उस हिसाब से वे ज्यादा पैसे डिजर्व करते हैं। जहाँ कुछ डॉक्टर्स पैसे लेकर भी बीमारी ठीक नहीं कर पाते, वहीं कुछ डॉक्टर्स अपने आप में चमत्कार कर जाते हैं। चलिए आज डॉक्टर्स द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों के बारे में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लिली रे। मेलिसा थॉमसन माँ बनने वाली थी, पर जब उसके बच्चे को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया, तब ये खुशी का मौका दुख की घड़ी में बदल गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में देखा गया कि बच्चे के इंटेस्टाइन शरीर के बाहर निकले हुए हैं। इस कंडीशन को गैस्ट्रोस्किसिस कहा जाता है। बच्चे की डिलीवरी 3 सप्ताह बाद कर दी गई, लेकिन बच्चे की इतनी खराब कंडीशन को देख जल्द ही उसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स को उस बच्चे के बाहर निकले इंटेस्टाइन को अंदर डालना था। उस बच्चे के इंटेस्टाइन पेट की नाभि के द्वारा बाहर निकल गए थे। डॉक्टर्स ने उस बच्चे के इंटेस्टाइन को एक प्रोटेक्टिव बैग से ढक दिया और उस बच्चे को ग्रेविटी के सहारे छोड़ दिया। 37 हफ्ते बाद बाहर निकला हुआ इंटेस्टाइन धीरे धीरे पेट के अंदर अपनी असली जगह पर चला गया, पर उसके इंटेस्टाइन के इतने दिन बाहर रहने के कारण उसके कुछ टिश्यूज खराब हो गए थे। डॉक्टर्स ने खराब टिश्यूज को बाहर निकाल दिया और बच्चे की कई सारी सर्जरी की। धीरे धीरे उसके इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो होने लगा। 5 महीने बाद उस बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। वह बच्चा एक लड़की थी जिसका नाम लिली रे रखा गया और वो अब पूरी तरह से ठीक है। कूपर। 2016 में ब्रूक किलबर्न नाम की एक महिला का कार एक्सीडेंट हो गया। उस समय वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास अपने बच्चे की हेल्थ चेक करवाने गई, तो डॉक्टर ने देखा कि बच्चा एक खतरनाक बीमारी लॉरिंजियल एजेनेसिस से गुजर रहा है। इस बीमारी के आज तक सिर्फ 50 केसेस ही सामने आए हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का उस एक्सीडेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बीमारी में बच्चे का लॉरिंकस विकसित नहीं हो पाता, जिससे कि बच्चा जब कोख से बाहर आएगा तो उसके सांस लेने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। डॉक्टर ने कहा कि जन्म लेने के बाद बच्चे के जिंदा रहने के चांसेस सिर्फ 5% हैं। उसके बाद ब्रूक की डिलीवरी की गई। बच्चे के जन्म लेने के बाद उसे तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां से उसे आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन दी गई। यही नहीं, उस बच्चे के पास बोलने के लिए वॉइस बॉक्स भी नहीं था, पर डॉक्टर्स ने उस बच्चे की रिब से वॉइस बॉक्स बना डाला। कई सारी सर्जरी और वेंटिलेटर में महीने गुजार देने के बाद बच्चे को सांस लेने के लिए उसके शरीर में एयरवे भी बना दिया गया। अब बच्चा बिना वेंटिलेटर के सांस भी ले सकता है, पर उसे खाना खाने में अभी भी परेशानी होती है। पर डॉक्टर्स ने कहा कि उस बच्चे की इस परेशानी को भी दूर करने के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं। विक्टोरिया कोमाडा। विक्टोरिया कोमाडा नाम की लड़की के पैर बचपन से ही पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इस कंडीशन को बायलैटरल टिबियल हेमिमिलिया कहा जाता है। इस 3 साल की बच्ची के पैर की कुछ हड्डियां मिसिंग थीं, इसलिए उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। डॉक्टर्स ने बोला कि वो अपने पैरों से कभी भी चल नहीं पाएगी, इसलिए विक्टोरिया के माता पिता उसे US के सबसे टॉप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर्स ने बोला कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, पर इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा। फैमिली ने क्राउड फंडिंग की मदद से $2,34,000 इकट्ठा किए। फ्लोरिडा के द पहली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट में विक्टोरिया का 9 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। पैर में कई सारी मशीन लगाई गईं, उन्हें स्क्रू से कसा गया। हर दिन उन स्क्रू को टाइट किया जाता था। उसके बाद फिर 6 घंटे की सर्जरी की गई और इस तरह विक्टोरिया के पैर ठीक हो गए, लेकिन उसे चलने में बहुत दर्द होता था। फिर भी विक्टोरिया ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करती रही। धीरे धीरे उसका दर्द छूमंतर हो गया और विक्टोरिया नॉर्मल हो गई। आज विक्टोरिया आराम से चल सकती है, दौड़ सकती है और स्पोर्ट्स खेल सकती है। इस तरह डॉक्टर्स के चमत्कार ने उस बच्ची को एक नया जीवन दे दिया। ऐसे ही बहुत से केसेस हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने चमत्कार के द्वारा सही कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।